सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हुकूमत को मजीद मोहलत देने का वक्त गुजर चुका, असेंबलियों से इस्तीफे का ऑप्शन जेरे गौर है। बीएनपी सरबराह की हिजब इख्तलाफ पर भी तनकीद, कहते हैं अपोजिशन हुकूमत के खात्मे में संजीदा नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी ही इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के इकदामात पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत से लो और दो नहीं कर रहे, हम बस छह निकात पर अमल दरामद चाहते हैं, अगर हुकूमत इन पर अमल नहीं कर सकती तो इसके साथ चलने का कोई फायदा नहीं। उनका कहना है कि किसी को खुश करने के लिए तरमीम हो सकती है तो हमारे निकात पर क्यों अमल नहीं हो सकता। हुकूमत को मजीद मोहलत देने का वक्त गुजर चुका है, जल्द सेंट्रल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा और अगर हुकूमत से अलहदगी का फैसला हुआ तो नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएंगे। बीएनपी सरबराह का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात और इन हाउस तब्दीली के हालात नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऑपोजिशन चाहे तो इन हाउस तब्दीली की कोशिश कर सकती है, तहम ऑपोजिशन इस मामले पर संजीदा नहीं वरना हुकूमत ऐसे बेलगाम ना होती। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे या नहीं इसके लिए हुकूमत को हमें कायल करना होगा, ताहम पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक हुकूमत ने अभी तक हमसे कोई राबता नहीं किया।